नोटबंदी के कारण हम सब लोग घर जा रहे हैं, वहाँ काम जो है ना पोल रहा है, पैसा नहीं चलेगा तो हम लोग जा रहे हैं। जिस फैक्ट्री में हम काम करते हैं वहाँ से पुरानी नोट दी गई है, वो सर बोल रहे हैं कि हमारा नोट हमारे पास जो है उसको हम कहाँ चेंज करवा के दें, इसको आप करवाओ। नोटबंदी की 2000 का देते हैं, वो खुला नहीं होता है और 200 रुपये में बट्टा काटता है, 1800 देता है, बस इसीलिए काम छोड़ दिया है। नोटबंदी के हिसाब से असर हो गया, जिससे काम नहीं चल रहा है, वो हिसाब से मतलब यहाँ पर छुट्टा भी कराने जाता है तो 2000 कर दिया, उसके बाद मतलब इसके लिए बोला चलो इधर रह के कोई मतलब नहीं, गांव में चलो। मुंबई के जावेरी बाजार में रहता हूँ, पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, अभी तो काम बंद हो गया नोट का वजह से, क्या कर रहे सब एक साथ में गाँव जा रहे हैं, काम छोड़ के जा रहे हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं, बच्चा बुजुर्ग कैसे क्या होगा, दिन नंबर खुला हो ही नहीं रहा। क्या बता सकते हैं सर, जब पानी नहीं मिलेगा तो मरेंगे थोड़ी यहाँ। अभी ये पनसोइया दे दिया बना के, तो पनसोइया भी अब बंद करवा रहा है नरेंद्र मोदी, कैसे जिएगा आदमी। हम लोग क्या बता सकते हैं, हम लोग को तो कोई पता नहीं काला धन कहाँ है, किसको पास है नहीं है, हम लोग तो नहीं जान रहे हैं। ये भूखे प्यासे हम लोग 500 का नोट भी अच्छा तो कुछ भी नहीं ले पाते, हम लोग तो घर जा रहे हैं। राशन देते हैं आने के लिए पैसे, तो राशन नहीं देता, खुले पैसे मांगता है, कहाँ से पैसे लाने, कोई कमाने वाला नहीं है, कहाँ से कमाएगा, कैसे कमाएगा। पनसोइया किसी दुकान में नहीं लिया, सारे दुकान से घूम के चलाया, बच्चे हाँ घर जा रहे, बच्चे बुजुर्ग भी कपड़े लेता कुछ भी नहीं दिया, अन्य तेल साबुन कुछ भी नहीं लेके जा रहा, खाना खाती तो ढेर भी कुछ भी लिया। बताइए ऐसा मोदी सरकार बना दिया, ये सब जा रहा है घर चला जाएगा, घर में जाएगा तो धान धूरा काटेगा खाएगा, बाहर क्या करेगा, यहाँ पर मजदूरी देगा, पैसे खुले देवे नहीं करेगा, तो कहाँ से खाएगा, कैसे कमाएगा, कैसे रहेगा।